फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का मौकिफ, कहा फैज हमीद के मामले पर मुबालिगे से काम नहीं लेना चाहिए, वाजे किया कि मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी। तक जनरल फैज की गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो मैंने आज भी यही कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक स्ट्रांग इदारा है, उनका एक इंटरनल कोड है, उनका कोड ऑफ लॉ है, उनके जो लोग यूनिफॉर्म में हैं या जो रिटायर्ड है उनके लिए एक स्पेशल लॉ बना हुआ है, उनके मुताबिक वो डील करते हैं। ये प्योरली पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मामला है, इसके पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्त मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस पर मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, इस बात को ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए। अगर कुछ है पाकिस्तान आर्मी प्रोसीड करेगी, अगर कुछ नहीं है तो वो इक्वेट हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ये उनका इंटरनल मामला है, ये मैक्सिमम है जो हम इसके बारे में कहते हैं। जो नया लॉ पास हुआ है असेंबली ने, ये कोशिश की गई है हमारे जो रिजर्व सीट है वो रिजर्व सीट हम इसे ली जाएं, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को इंप्लीमेंट करेगी और जो नोटिफिकेशन हुआ था इलेक्शन कमीशन का वो सेटिसफाइड हो चुका है। सीटें किसी सूरत किसी और पार्टी को नहीं जा सकती, वो हमारी सीटें होगी, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। हम इलेक्शन एक्ट ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं, मैं चैलेंज कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो 40 MNAs है वो भी इनको चैलेंज करेंगे, हमारे केपी के पंजाब और सिंध के जो MPAs है वो भी चैलेंज करेंगे और हमारे अलायंस पार्टीज भी इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। हमें कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करते हुए ये सीटें हमारी और हमें देगी।